हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं फिर से आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें हम क्लास एट एनसीईआरटी रैशनल नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। रैशनल नंबर्स के पिछले वीडियो में मैंने आपको रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सिखाया था। रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ थी, रैशनल नंबर की डेफिनेशन और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में हम ऑलरेडी क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम देख चुके हैं। अब आज हम जो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं रैशनल नंबर की, वो होगी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है? तो एसोसिएटिविटी ऑफ रैशनल नंबर को समझने के लिए यहाँ पर मैंने आपके सामने एक एग्जांपल पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हैं। एसोसिएटिविटी ऑफ रैशनल नंबर का मतलब है कि अगर हम किसी रैशनल नंबर को आपस में जोड़ दें, अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें, तो हमारा जो रिजल्टेंट नंबर होता है वो सेम ही होता है। इस एग्जांपल को मैं आपको और थोड़े अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर कोई एक फ्रैक्शन लेते हैं, इमेजिनरी फ्रैक्शन। सपोज a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, राइट, प्लस ई अपॉन एफ। ये मैंने यहाँ पर अल्फाबेट्स लिए हैं। सो फ्रेंड्स, देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाया। आप इस फॉर्म को अगर याद रखेंगे तो आपको एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। a अपॉन b, दैट इज द वन फ्रैक्शन, एंड इट इज इन एडिशन विद c अपॉन d प्लस e अपॉन f। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने c अपॉन d और e अपॉन f को एक ब्रैकेट में रखा है। इस ब्रैकेट का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, अगर उसको मैं a अपॉन b के साथ अगर जोड़ दूँ, तो इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सेम इसके फॉर्म में होगा या इसके बराबर होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ द नंबर इज नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द एडिशन ऑफ द रैशनल नंबर्स रिलेटेड टू द एसोसिएटिविटी ऑफ द रैशनल नंबर। सपोज a अपॉन b के जगह पे हम यहाँ पर -2/3 यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। -2/3, दैट इज अ रैशनल नंबर। इट इज इन द एडिशन ऑफ 3/5 प्लस -5/6। सो दिस रिजल्ट, राइट, इसका हम अगर पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ब्रैकेट को हमने पहले सॉल्व किया है। -2/3 जैसा है वैसा ही है, और अगर हम इन दोनों का एडिशन करते हैं तो हमें -7/30 मिलता है। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो -27/30 मिलता है, और इसको जब हम रिड्यूस करेंगे, इट इज़ द डिविजिबल बाय 3, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो -9/10 आता है। दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट, यानी कि मैंने ये पार्ट सॉल्व कर लिया है। नाउ वी विल गो फॉर दिस पार्ट। अब हमको यहाँ पर चेक ये करना है कि जो इसका आंसर था वही क्या इसका आंसर होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दोनों बराबर होंगी? अब हम इसको चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि 2/3 यहाँ पर सेम नंबर हमने लिए, जो यहाँ पर थे वही नंबर हमने यहाँ पर लिए, वी डिड नॉट चेंज द नंबर। तो -2/3 प्लस 3/5, इन दोनों को अगर हम एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें, जैसे पहले हमने इन दोनों को इनक्लोज किया था, नाउ हमने इन दोनों नंबर्स को यहाँ पर इनक्लोज किया है। अगर हम इसका एडिशन करें, सो वी विल गेट -1/5। फ्रेंड्स, ये एडिशन आप आसानी से कर सकते हैं। आपको अगर एलसीएम लेना आता होगा, लोअर स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा, तो एलसीएम लेके आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एडिशन नहीं किया है, लेकिन अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो वो मुझे पूछ सकता है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, और उसको अगर हम -5/6 में ऐड कर दें, सो अगेन वी विल गेट द सेम -27/30, और अगर हम इसको डिवाइड कर दें 3 से, सो वी विल गेट -9/10, एंड -9/10 दैट इज इक्वल टू द -9/10, दैट वॉज द लेफ्ट हैंड साइड। इट इज द राइट हैंड साइड, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम इस बात को देख चुके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों बराबर होती है, और इस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम यहाँ पर कह सकते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। यहाँ पर एडिशन जो होता है वो रैशनल नंबर के लिए क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। कहने का मतलब कि अगर हम किसी रैशनल नंबर को ऐड करें तो उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होता है। आप और भी कोई दोनों रैशनल नंबर का एग्जांपल लेके आप इसको अपने कॉपी पेन में भी करके देख सकते हैं। अब हम इसके सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ये जो प्रॉपर्टी थी एडिशन के लिए थी, नाउ वी विल सी फॉर द सब्ट्रैक्शन। सो फ्रेंड्स, हमने एडिशन प्रॉपर्टी देखी, हमने देखा एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। नाउ वी कम टू द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया है, -2/3 -(-4/5)
माइनस वन अपॉन टू, इन दोनों को मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं मैंने जो रेशनल नंबर चूज किए हैं वो सेम ही है, राइट। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है वो क्या रेशनल नंबर के लिए एसोसिएटिव है या नहीं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करेंगे कि क्या दोनों बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस टू अपॉन थ्री जैसा है वैसा ही होगा और यहाँ पर माइनस का साइन भी वैसा ही होगा। इन दोनों को मैंने ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लिया है, तो अगर इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे यहाँ पर माइनस 13 अपॉन 10 मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर चलते हैं, अगर इन दोनों ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूँ 2 अपॉन 3 में से अगर मैं माइनस 4 अपॉन 5 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे 22 अपॉन 15 मिलता है। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोनों जगह नेगेटिव साइन है और ये दोनों नेगेटिव साइन जो होंगे यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ पर रिजल्टेंट नंबर 22 अपॉन 15 मिलता है दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पे। और माइनस 1 अपॉन 2 जैसा था वैसा ही है। अब मैं 22 अपॉन 15 में से माइनस 1 अपॉन 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पर 29 अपॉन 30 मिल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने डायरेक्ट करके डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो आप थोड़ा इस वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी पेन से कॉपी में चेक कर सकते हैं क्या ये सही है या नहीं, ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी माइनस और माइनस प्लस होगा, इसलिए यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लगा दिया है, माइनस टू अपॉन थ्री एज इट इज यहाँ पर आ गया है। अगर इन दोनों का एडिशन अगर मैं यहाँ पर करूँ तो मुझे 19 अपॉन 30 मिल सकता है, ये भी आप अपने कॉपी और पेन में सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 19 अपॉन 30 दैट इज नॉट इक्वल टू 29 अपॉन 30। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। यू कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन दिस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, और आप कोई भी अपने मन से रेंडम एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी एसोसिएटिविटी की कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर द रैशनल नंबर। आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज का आपको यूज करना पड़ेगा एक्सरसाइज 1.1 में, राइट फ्रेंड्स। तो इन प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखिए। अब हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, लेट अस कम टू द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, राइट। वी आर लुकिंग फॉर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड हियर वी विल सी दैट मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर द रैशनल नंबर और नॉट, राइट। सो यू कैन सी दैट हियर द फ्रैक्शन आई हैव टेकन माइनस 7 अपॉन 3 दैट इज इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन 9 दैट इज इन टू द वन ब्रैकेट, एंड वेन वी सॉल्व दिस ब्रैकेट सो माइनस 7 अपॉन 3 it will come as it is. First of all we solve the bracket, right? So 5 2s are 10 and 4 9s are 36, so that is very easy to calculate. 7 into 10 that will be minus 70, and 36 into 3 that is 108. Both the numbers are divisible by 2, so the resultant output is minus 35 upon 54, right? So this is the left hand side, we have solved it. Now this is the right hand side, we have taken the same number but the order of the number is changed. What we have done, minus 7 upon 3 and 5 upon 4 we taken into the one bracket, and this 2 upon 9 it come out of the bracket. Now we solve this bracket first. So 7 5s are 35, you can see that minus 35 because 7 is minus and 3 4s are 12, and we multiply this fraction with the 2 upon 9. So what will be the answer? Minus 70 upon 108. You already know the table, so you can calculate it very fast. Now the resultant number you can see that minus 35 upon 4 because this fraction is divisible by 2. So in the both the cases you can see that the resultant number is equal and same. So we can say that left hand side and right hand side of both the fractions are equal. So here on the basis of this example we can say that multiplication is associative for the rational numbers. So friends, you can see that how it is easy, right? And it is very easy to understand. You can take any example from your textbooks or you can take it from your mind, that is very easy. Now we come to the division property. So friends, we come to the next property of associativity, that is related with the division of the rational number. So here I have taken this example, right? You can see this is the left hand side of the equation and this is the right hand side of the equation. The fraction is 1 upon 2 that is divided by minus 1 upon 3 divided by 2 upon 5 that is into the one whole bracket. The next is on the right hand side, the fraction is same but written in the other way. 1 upon 2 divided by minus 1 upon 2
these two number we have taken into the यहाँ पर जो होगा गलती से लिखने में आ गया, यहाँ पर 3 होना चाहिए. सो हियर वी कैन ऑल्सो चेंज, हियर वी कैन ऑल्सो चेंज, इट विल कम 3, राइट. एंड इफ आई वॉन्ट टू चेंज द रिजल्ट, सो दैट इज -3/2. सो द रिजल्टेंट नंबर विल बी, द रिजल्टेंट नंबर विल बी 3 × 5 = 15. सो -15/4, सॉरी फॉर मिस्टेक. सो हियर we have taken the same resultant, but 1/2 and -1/3 we have taken into the one bracket and divide by 2/5, that is out of the bracket. The fraction are same but written in the different way. So first of all, 1/2 it will come as it is, and when we change this sign here, you can see that that is the division, right? This basic thing I think you already know that, but if you don't know that, agar is sign ko डिविजन साइन को अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कर दूँ तो ये जो फ्रैक्शन होगा 2/5 दैट वुड बी रिवर्स ऑफ इट, ये इसका उल्टा हो जाएगा. इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 5/2 लिखा हुआ है. यहाँ पर भी सेम आप देख रहे हैं 1/2 वैसा ही है, यहाँ पर मैंने डिविजन की जगह पे मल्टीप्लीकेशन का साइन चेंज कर दिया है, इसीलिए ये -1/3 जो है -3/1 हो गया है, राइट. सो दिस इज द सिंपल वे ऑफ द डिविजन और द मल्टीप्लीकेशन. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी कैन सी दैट 1/2 that is in the multiplication of -6/5. जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, you can take pen and paper and solve it. So you will get the multiplication of these two rational number is -5/6, because 5 is the 5 and 3 to the 6. So -5/6 in the next portion it has become -6/5. That is the inverse of -5/6, right? Because we have changed this sign. So I hope कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी. That is very easy. Right, 1/2 और इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी विल गेट -3/2. एंड इफ वी चेंज दिस साइन, राइट, इंस्टेड ऑफ डिविजन इफ आई पुट मल्टीप्लीकेशन साइन, सो दिस 2/5 विल बिकम 5/2, राइट. नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन वी कैन सी दैट -6/5 इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1/2, सो इट विल गिव -6/10, और वी कैन डिवाइड इट बाय द 2 बिकॉज इट कैन बी डिविजिबल बाय द 2, राइट. बट हमने यहाँ पर इसको डिवाइड नहीं किया है, आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो -3/5 आ जाएगा. सो यू कैन सी दैट हियर इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू फ्रैक्शन, सो 5 × 3 = 15, दैट इज -15, एंड 2 × 2 = 4. सो यू कैन सी दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी विल गेट द डिफरेंट रिजल्टेंट, एंड बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल आई कैन से दैट division is not associative for the rational number, right? What we can write, division is not associative for rational numbers. Okay friends, so यहाँ पर हमने addition, subtraction, multiplication and division चारों ही प्रॉपर्टी को एसोसिएटिविटी में देख लिया है, कि जब हम रैशनल नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव विद द रैशनल नंबर फॉर द रैशनल नंबर, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर द रैशनल नंबर. सो फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द रैशनल नंबर. सो फ्रेंड्स, आफ्टर एसोसिएटिविटी वी विल कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिविटी of multiplication over addition for rational number. यहाँ पर भी हम rational number की बात कर रहे हैं, but here we will talk about the next property, that is the distributivity. In the distributivity, we can see that distributivity को हम इस identity से याद रख सकते हैं. Distributivity में हम addition और subtraction दोनों ही करते हैं. Along with addition and subtraction, we will also do the multiplication in the same property, right? So इसीलिए यहाँ पर कहा गया है distributivity of the multiplication over addition for rational number. यहाँ पर दो rational number आप देख रहे हैं. Suppose यहाँ पर हमने 3 rational number लिए A, B और C. यहाँ पर हमने B और C को add किया है. दूसरे example में आप देख रहे हैं B और C को हम subtract भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपने देखा कि A और B और C को हमने यहाँ पर add किया है और उसको multiply किया है A से. इसलिए हमने इसको कहा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ऑफ द रैशनल नंबर्स. तो आइए समझते हैं इसको. इस आइडेंटिटी को आप याद रखेंगे इस प्रॉपर्टी के लिए. अब इसको हम समझते हैं.
यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई तीन रैशनल नंबर है, सपोज -3/4, 2/3 एंड -5/6। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इन नंबर्स को मैंने इस तरीके से लिख दिया है। तो आप देखिए यहाँ पर -3/4 मल्टीप्लाई विद द ब्रैकेट 2/3 प्लस -5/6। यहाँ पर इस ब्रैकेट में हम देख रहे हैं एडिशन किया, बिल्कुल इसी फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। तीनों रैशनल नंबर को मैंने इस फॉर्म में a इंटू बी प्लस सी में अरेंज कर दिया है, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ए बी प्लस ए सी। तो देखते हैं कैसे करते हैं, इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करना क्या है, -3/4 जो है उसको हम वैसे ही रखेंगे, पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने में हमको यहाँ पर एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए आपने देखा अंदर नेगेटिव साइन है और बाहर पॉजिटिव साइन है, तो दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, सो बोथ द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3, सो सिंपली वी कैन राइट द एलसीएम इज 6। नाउ वी डिवाइड द 6 बाय 3, सो आई विल गेट 2, एंड 2 इज मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर 2, सो इट विल गिव अस 4। द प्लस साइन विल कम एज इट इज, एंड इफ वी डिवाइड 6 बाय 6, सो इट विल गिव अस 1, एंड 1 इज मल्टीप्लाई विद -5, सो इट विल गिव -5। Now we subtract both of them, so I will get -1/6, and it would be multiplied with -3/4. So the resultant number is 3/24, and this is the multiple of 8. So if I it is the multiple of 3. Sorry. So if I divide, so final resultant number will be 1/8. तो फ्रेंड्स ये हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे एस्पेक्ट में देखेंगे। Okay, friends. Now, हमारे पास सेम नंबर है और उसी तरीके से लिखे हुए हैं, लेकिन सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर हमारा दूसरा होगा। पहले जो हमने सॉल्यूशन किया था, इसका मल्टीप्लिकेशन जो हमने किया था वो इस तरीके से किया था, जो मैंने आपको पहले बताया, तो उसमें जो आंसर था वो 1/8 आया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया था, पहली प्रोसीजर जो हमने की थी उसमें हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद इसको मल्टीप्लाई किया। अब इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, -3/4 को हम पहले 2/3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से इन द वन ब्रैकेट, और ये प्लस का साइन जो है वो यहाँ लिख रहे हैं, और फिर -3/4 को -5/6 के साथ दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो मुझे -6/12 मिलता है, राइट, और जब हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मुझे 15/24 मिलता है। 6 4 24 एंड 3 5 15, माइनस और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ है। अब अगर इन दोनों नंबर को मैं सॉल्व करूँ, 6 और 12 आप देख सकते हैं, इसको हम अगर रिड्यूस करें तो -1/2 मिल जाता है, और 15/24 को अगर हम रिड्यूस करें तो 5/8 मिलता है। अब इन दोनों का जब हम एलसीएम लेके इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें फिर से वही मिलता है 1/8, जो कि पिछले सॉल्यूशन में हमको पिछली मेथड में मिला था। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स आप यहाँ पर दोनों ही कंडीशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं दोनों ही तरीके से, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारा जो आंसर है वो सेम आ रहा है, हमारा जो आंसर है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस आइडेंटिटी को इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इस सॉल्यूशन को मैं नीचे से यहाँ से मिटा दूँ तो कहने का मतलब मेरा ये है, -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6 दैट इज इक्वल टू दिस फ्रैक्शन। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आप इसको करना चाहें तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन मेथड के साथ भी आप करके देख सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो आपका होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी भी आपको यहाँ पर काम आएगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने पिछले लेक्चर में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, उसके बाद हमने कम्यूटेटिविटी देखा, उसके बाद हमने एसोसिएटिविटी देखा रिगार्डिंग द रैशनल नंबर, एंड नाउ वी हैव सीन द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ओवर द एडिशन फॉर रैशनल नंबर। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये चारों ही प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि आपको एक्सरसाइज 1.1 करने के पहले समझना बहुत ज़रूरी है। आप जितने भी एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हैं, एनसीईआरटी की बुक आपके पास अवेलेबल होगी, तो उस बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं आप अपने घर पे भी उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप रिपीट करके देख सकते हैं, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा,
और आपसे उम्मीद करता हूँ कि अब आप जो है पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, हमारे जो वीडियो लेक्चर है आप इसको देखते रहें घर पे बैठे बैठे। लॉकडाउन कंडीशन में हम ज़रूर हैं लेकिन हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर दिस चैप्टर, एंड इसके आगे का जो एक्सरसाइज होगा वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।